जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा कह रहे हैं। और मैंने पूर्व में बोला है कि ग्यारस की कथा सुनने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी की महिमा बढ़ जाती है जब उसकी व्रत कथा सुन लें। तो भले ही आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी इस व्रत कथा को जरूर सुनिएगा। श्री पद्म पुराण उत्तराखंड और 52 नंबर का अध्याय है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, अपरायाश महात्म्यम सुतम सर्व जनार्दन ज्येष्ठस्य शुक्ल पक्षे तुष्याध्या ताम बदमानदः। हे भगवान, आपने पिछली कृष्ण पक्ष में अपराय एकादशी की कथा सुनाई, अब हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की ग्यारस के बारे में सुनना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताएं। तो श्री कृष्ण उवाच, भगवान बोले, एनाम बक्षत धर्मात्मा व्यास सत्यवती सुधा सर्वशास्त्रार्थ तब तक वो वेद वेदांग में पारगा। सत्यवती पुत्र भगवान व्यास ने जिस कथा की चर्चा की है वही हम आपको बताते हैं। सुतास्त मानवा धर्मा वेद का सुतास्तया कलव युगे नश्यंग ते तवई कर्तुम न राजपह। यानी कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर ने पूछा, तो भगवान वेद व्यास जो बोले हैं उन्होंने कहा, आपने मानव धर्मों को और वैदिक धर्मों को सुनाए राजन, कलयुग में उन धर्मों का अनुष्ठान संभव नहीं है, इसलिए कलकाल के जीव का शीघ्र ही उद्धार हो जावे, कल्याण हो जावे, उसके लिए ग्यारस की बहुत बड़ी महिमा है। अन्न भुंजित सत्कृत्या पश्चात विप्रदर्शनम, जिसने ग्यारस के दिन अन्न को छोड़ दिया, अन्न को त्याग दिया है, उसने बहुत बड़े यज्ञ करने के फल उसने प्राप्त कर लिए। एक समय की बात थी, भगवान व्यास घूमते हुए हस्तिनापुर की तरफ आए, कुंती माता ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, उनके पांचों पुत्रों ने भी प्रणाम किया, अर्जुनो नकुल शैवा सहदेव तथा बचा, इन सब ने उनके चरणों में वंदन और प्रणाम किया। इतने में भीम जी भी चल करके आ गए, और भीमसेन ने कहा, पितामह महाबुद्धि कथयामि ताग्रता एक भक्ति इन चक्रों में उपासक तो प्रभु। एकादशी का व्रत ये सब करते हैं भैया, नकुल, भीम, अर्जुन, भैया युधिष्ठिर सब करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी लाज लगती है, मैं एक समय भी अन्न नहीं छोड़ सकता और ये व्रत करते हैं, मुझे बड़ा नीचा देखना पड़ता है, मैं क्या करूँ, ब्रको ही नाम यो बनी शाजदा जठ रे मामा, मेरे उदर में अग्नि है, मैं अन्न के बिना रह नहीं सकता, आपसे प्रार्थना है कृपा करके ऐसा कुछ बता दें कि मैं साल में एक व्रत कर लूँगा जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ऐसा उन्होंने वह प्रश्न किया। तो तब भगवान व्यास कहते हैं, वृषस्ते मिथुनस्ते वा यदा एकादशी भवे ज्येष्ठ मासे प्रयत्न सोपोस्तोत्र वर्जिता। उन्होंने कहा कि वृष या मिथुन राशि में जब सूर्य हों, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। गंडू साचमनम बारी वर्जियो तदकम बुधा, सिर्फ आचमन और कुल्ला को छोड़ करके जो पूरे दिन भर जल नहीं पीते हैं, इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी है। तो पूरे दिन भर जल नहीं पीते, सूर्यास्त के बाद में पानी पी लेते हैं, तो ये दुष्टर उन्हें 12 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो 24 घंटे तक जल नहीं पीते हैं, दूसरे दिन पारण के समय पर जल पीते हैं, तो संवत्सरे तो याशैव एकादशी भविन्ति ही, उनको पूरे वर्ष भर की एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि व्यक्ति छोड़ सके पानी, छोड़ सके फलार, तो उसे इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इतमाम केशवा प्राह शंख चक्र दाधरा सर्वान प्रत्यज अपमान एकम शरणम व्रजेत। क्या सुंदर बात कही गई है, और कहा कि ये इस बात को मुझे शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने कहा था कि सभी पुरुषों की आशा छोड़कर जो केवल मेरी शरणागति एकादशी का निरार रहकर व्रत करता है, तो उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, संपूर्ण पापों से। एकादश्याम निराहारा तस्त पापात प्रमुच्यते। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है। स्वयं भगवान नारायण ने बात कही थी, ये भीमसेन तुमको बार बार क्या मैं बताऊं, इस दोष दूषित कलयुग में न द्रव्य की शुद्धि और न संस्कारों की शुद्धि है, फिर वैदिक संस्कारों के विषय में तो क्या कहा जाए। दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान वेदव्यास बोले। दोनों पक्षों में बिल्कुल भी भोजन करना नहीं, एकादश्याम सिद्धे पक्षे ज्येष्ठे माशुदकम बिना, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जल एकादशी व्रत का जो फल होता है उसको आप सुन लो। पूरे वर्ष में जितनी भी एकादशियां पड़ती हैं उन सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, जो 24 घंटे तक निर्जल रह ले, और जो सुबह से लेकर के शाम तक जल नहीं पीते हैं, उन्हें हर महीने की एक एकादशी यानी वर्ष में 12 एकादशी करने का उन्हें भी ये फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया। जो एकादशी का व्रत करता है उसके पाप महा काय बड़े से बड़े पाप
ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये मैं सत्य सत्य और सत्य कह रहा हूँ। कहा गया दंड पास धरा रुद्रानोप सरपंच ते परम पीताम्बर धरा स्वाम्या चक्र हस्ता मनोजम। यमराज के बड़े बड़े दूत वहाँ पर परास्त हो जाते हैं और भगवान नारायण के पार्षद पीले पीताम्बर कपड़े पहनते हुए उस भक्त को लेने के लिए आते हैं। अतः सभी प्रकार के प्रयास से निर्जला एकादशी करनी ही चाहिए, ऐसा वर्णन है। अंत काले नयंते वैष्णवान वैष्णवीपुरम तस्मा सब प्रियतेना उपोषोदक वर्जिता। किसी न किसी प्रकार से उन्हें व्रत करना ही चाहिए। इस व्रत के समय गाय का दान करें, गाय के लिए चारे का दान करें तो संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है। जलधेनुम तथा दत्वा सर्व पापी प्रमुचते तातस्तमश कौंते सौ पासुर सने हरे। इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। इस व्रत के दिन गौ सेवा का भारी मातम है, गाय के लिए चारा उसको भोजन देने की बड़ी महिमा है। हे कौंते सभी पापों की शांति के लिए उपवास से पहले भगवान से प्रार्थना करें और क्या कहेंगे, हे भगवान मेरी इसमें सामर्थ्य नहीं है, आप व्रत कराओगे तो ही यह व्रत हो सकता है, आप ही ऐसी कृपा कर दें कि पूरे दिन भर मुझे प्यास ना लगे। तो भगवान कृपा करेंगे, प्यास लगेगी नहीं। फलम कोटि स्वर्णस्य यामि यामि सुतम फलम, 1 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। स्नानम दानम जप होमम इदश्याम कुरते नरा। इस दिन क्या क्या करना चाहिए, सूर्य उदित पहले होने से पहले स्नान कर लें, दान जरूर करें, जप करें अपने गुरु मंत्र का, हो जाए तो होम जरूर करें, स्नान दान जप होम। यदश्याम कृते नरा, यदि किसी ने चारों काम कर लिए तो उनकी यह एकादशी अपने आप में सिद्ध हो जाती है। एकादश्याम दिने योन्नम भुक्ते पापम भुनक्ते सर, जो 11 के दिन अन्न खाते हैं सगरे तो पाप भैया उनको पहुंच जाते हैं। ये लोकेच चांडालो अमृता प्राप्नोति दुर्गतिम, यदि इस धरती पर कोई चांडाल भी होगा एकादशी के प्रभाव से उसका भी उद्धार हो जाएगा। ज्येष्ठ मास से सदैव पक्षे प्राशंति परम परम ब्रह्म मध्यपम स्तेनो गुरु द्वेषी स्थान्यति। शराब पीने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरुओं के साथ द्वेष करने वाला व्यक्ति भी यदि उसने अपने आप को सुधार करके निर्जल एकादशी का व्रत कर लिया है तो भैया उसका भी उद्धार आत्मकल्याण हो जाता है। मुच्छंदे पात कई सर्वई निर्जला युर्युषता विशेषण कौनती है निर्जला एकादशी दिने, सभी अपराध उसे छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति को छोड़ करके चले जाते हैं जिसने एकादशी का व्रत किया है। अन्न वस्त्रम तथा गावो जलम सयासनम शुभम कमंडलुस्तदा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। इस दिन गौदान की तो बात कही गई है लेकिन अन्न वस्त्र गाय जल सैया दान की बड़ी महिमाएं, कमंडल दान की छत्र दान की बहुत बड़ी महिमाएं। उपान हो यो ददाति पात होते जो दुजोत्तम चरण पादुका, उनका भी दान करने की बहुत बड़ी महिमाएं। इस प्रकार से इसके महात्म का वर्णन किया गया। सर्पा विन्मुक्ता पदम गच्छत नामयम तद्भूत भीमे न करता एकादशी स्वभाम, वर्णन किया इस तरह से जो पापों को नाश करने वाली द्वादशी में जो एकादशी पड़े, अब के बाद द्वादशी में एकादशी, इसलिए बड़े आनंद की बात है। इस व्रत को पूर्ण रूप से कीजिएगा तो सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी। उसी समय से भीम ने आज तक यह एकादशी का व्रत किया है। अब वो शरीर से नहीं है तो भी 11 का वो व्रत कर रहे हैं। पांडव द्वादशी नामना लोक ख्यात अब हुआ इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ और यह उसी समय से पांडव 11 के नाम से जानी जाती है। तो आप सभी को हमने निर्जल एकादशी की कथा आपके बीच में परोसी है। भगवान कृपा करे बिना जल पिए आपकी 11 हो जाए। 24 घंटे का यह व्रत नहीं आप कर सकते हैं तो आप फलार तो लेना ही नहीं है। सूर्य उदय से पहले जल पी लें और सूर्य अस्त के बाद में जल पी लें तो भी आपको हर महीने की एक एकादशी यानी 12 एकादशी करने का फल प्राप्त होगा। और यदि आपने 24 घंटे के बाद दूसरे दिन जल लिया है तो पूरा आपको 1 वर्ष की 11 करने का फल प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा जय श्री राम, जय गो माता जय राधे श्याम। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें।